ताजमहल की और सारी जी ये फज्जे का है पाए वाला छोटे पाए, ये यहाँ की स्पेशलिटी है फज्जे की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन पर जहाँ पे ना सिर्फ अच्छा नाश्ता मिलता है बल्कि लाहौर का सबसे बेहतरीन नाश्ता मिलता है और साथ ही साथ मनाजर कुछ ऐसे हैं कि दिल को मोह लेते हैं। आप एक बार वापस 300-400 साल पुरानी अजीम व शान इमारतों के इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द बल्कि वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं और आप अपने आप को ऐसे लगता है कि बहुत ही शाही किस्म का महसूस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, फिर बात होगी आगे। जी ये अब हम महवे सफ़र हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अब हम देखिए कौन सी मंजिल पे पहुँचते हैं, लेकिन होगी बड़ी मुख्तलिफ, ख़ासतौर पर उनके लिए कि जो लाहौर शहर से वाकिफ़ नहीं हैं, और जो वाकिफ़ हैं उनके लिए। जी आज का ईद कुर्बान के हवाले से ये बकरा मंडी या गाय मंडी या बैल मंडी जो भी आप कह लें लगी हुई है इस इलाके में, और सुबह से ही यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी है जो आप देख सकते हैं। दूर दराज से लोग यहाँ अपने जानवर फरोख्त करने आए हैं ताकि लोग ख़रीद सकें और ईद कुर्बान पे कुर्बानी अदा कर सकें। लाहौर शहर रावी ब्रिज से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं और अब थोड़ी देर में हम लाहौर शहर में बल्कि दाखिल हो ही चुके हैं। लेट्स एंजॉय। जी ये मेलाद चौक कमेटी चौक भी कहलाता है जहाँ से हम दाखिल हो रहे हैं गुज़र रहे हैं। शहर आज तकरीबन सुनसान ही है, कुछ हम जल्दी में हैं कुछ वैसे भी शहर में इन दिनों कारोबार काफ़ी देर बाद शुरू होता है। हालांकि हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है कि आप कारोबार जल्दी शुरू करें और जल्दी ही बंद करें ताकि बिजली का ज़िया ना हो। तो ये मेरे सामने आप देख रहे हैं लोग छतरे वगैरह लेके जा रहे हैं। ये इस तरफ हो लिए हैं, ये दादा दरबार और अंदरून शहर की तरफ जाने वाला रास्ता है। तालीमी इदारे हैं, ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, बल्कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एक कैंपस ये है। ये सामने उर्दू बाजार है जो दूसरी तरफ ब्रिज के नज़र आ रहे हैं। ये सेंट्रल मॉडल स्कूल और उसके साथ ही करबला गामेशा, ये देखिए ये दरवाज़ा जो आपने देखा अभी, और नेक्स्ट टू करबला गामेशा जियाउल कुरान यानी पीर करम शाह फैमिली का ये बिज़नेस है पब्लिकेशन ऑफ कुरान मजीद के हवाले से, और उसके साथ ही आगे हमें दादा दरबार नज़र आएगा।
ये देखें, ये जो आवाम है दाता दरबार पे मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए, फातह खानी करने के लिए यहाँ पे जमा है और दाखिल हो रहे हैं लोग। यहाँ पे कोई भी दिन हो जमे गफीर ही रहता है लोगों का, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, लाहौर में ड्राइविंग करते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, यानी अगर आप एहतियात नहीं करते तो आपने ख़ुद ही बचना है बाइक वालों से खामखा और रिक्शे वालों से। चिंगची रिक्शा बाइक ये कोई समझते नहीं है कि किसकी लेन में जाना है किस में नहीं जाना है, तो लिहाजा ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि कैसे बचना है। चलिए आगे देखते हैं। ये गोरा कब्रिस्तान शुरू होने वाला है। लाहौर में जो कब्रिस्तान अंग्रेज़ दौर में अव्वलीन कब्रिस्तान बनाए गए उनमें से एक जे भी है, बल्कि लाहौर का सबसे पुराना कब्रिस्तान यही है गोरों का। यहाँ पे अहले मसीह जो हज़रत ईसाईत को मानने वाले यहाँ पे अपने दफनाते हैं फौत शुदगान को। यह हम इस वक्त आज़ादी चौक फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत आज़ादी चौक फ्लाईओवर है, तो वंडरफुल प्लेस टू विज़िट। पहले यहाँ गंदगी ही गंदगी हुआ करती थी, अब कम से कम वो ख़त्म हो गई है और एक अच्छा मंज़र नज़र आ गया है, और फिर ट्रैफिक का फ्लो भी बन गया। पहले तो यहाँ ट्रैफिक फंस फंस के चलती थी, तो हमने वैसे सोचा हुआ है कि हर इतवार आपको कोई ना कोई डेस्टिनेशन जहाँ पे खाने की जगह भी हो और हिस्टोरिकल प्लेस भी हो, कल्चरल उसकी इम्पोर्टेंस भी हो, वो चीज़ें दिखाएँ और सैर कराएँ। जब आपको मौका मिले तो कम से कम आपको ये महसूस हो कि ये तो चीज़ें और जगहें देखी हुई हैं। ये सामने मेरे देखें कितना प्यारा मंज़र अभी आने वाला है। ये बादशाही मस्जिद है, ये औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में बनाई गई थी, तामीर हुई थी इस जगह। संगे सुर्ख और संगे सफ़ेद यानी संगे मरमर से बनी ये मस्जिद देखने से ताल्लुक़ रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक ये भी है, 1 लाख से ज़्यादा नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं इस मस्जिद में। और साथ ही ये लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल है, ये भी अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ हॉस्पिटल है, 80-90 साल बल्कि इससे भी पुराना हॉस्पिटल है ये। ऐसी बहुत सारी इमारतें लाहौर में आपको नज़र आ जाएंगी, कलोनियल पीरियड की इमारतें तो आम हैं अभी तक। अब हम यहाँ से ये मुड़ेंगे इस बाज़ार की तरफ, इसे फोर्ट रोड कहते हैं। आजकल इसका नाम हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर आज़ाद रोड है, और इसी रोड पे ये डेंटल कॉलेज भी है, पंजाब डेंटल कॉलेज और कॉलेज ऑफ मॉन्टमोरेंसी इसका नाम है। ये देखें मस्जिद के मीनार और गुंबद आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत भला लगता है। है ना आलीशान इमारतें, डेफिनेटली। अब इस तरह की इमारत बनाना तो बहुत ही महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। ये 1935 की इमारत सामने, मस्जिद नहीं, मस्जिद तो 1700 कुछ तक बन चुकी थी। ये फोर्ट रोड फोर्ट स्ट्रीट को जाने वाला रास्ता है। लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं इस इलाके, हालांकि अभी सफाई भी नहीं हुई होती, बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है यहाँ पर। पर अमूमी तौर पर हम वो लोग हैं ना कि जो जहाँ जी
जगह देखी वहीं पे कागज़ फेंक दिया, वहीं पे जो और कुछ चीज़ बची है बेकार वो फेंक दी। बहुत बुरा लगता है। कब हम सीखेंगे? अच्छा यहाँ पे राशि राशि है, क्या करें आप? इस तरफ जाएं, कैसे जाएं? ये वो ताजमहल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जगह मिलेगी हमें। बहुत अच्छा, यहीं पे ही है फज्जा शरीफा है। यहाँ पे यही मसला है, गाड़ी पार्क कहाँ करती? ये है जी ताज महल की हलवा पूरी, और ये जो हलवा है ये इनकी स्पेशलिटी है, इसे खोए वाला हलवा कहते हैं। और क्या मज़ा है ये सामने तो आपको जो नज़र आ रहा ना, ये आप ये देखिए, ये है फज्जा और इसके साथ ही ताज महल है, बाद में आपको दिखाते हैं। ये देखिए है मज़ेदार, देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। मेरे साथ हैं मेरी फैमिली और मुबशरा अहमद है मेरे बेटे, किश्वर हैं। तो ये आप बताते हैं टेस्ट करके, क्या कैसा टेस्ट लगता है मुबशरा? अच्छा, अभी चेक करना है। करो। अभी गरम है। अच्छा बच्चा, रोटी भी खानी है। वो ताजमहल की और सारी पूरे थ्रू प्लान वीडियो बनाते रहो, जैसे जैसे इन लोगों की बनाती है। प्रॉपर ऊपर से देख के बनाओ ना, फ्रेम नीचे ना लगा दो। कुछ बनी खा लो ना जी। ये फज्जे का है पाए वाला, छोटे पाए, ये यहाँ की स्पेशलिटी है फज्जे की। शहर के कुछ इलाकों में आप ये एक बड़ी बदनुमा चीज़ नज़र आती है कि लोग चील गोश्त फरोख करते हैं, और कोई रोक नहीं पा रहा है इन्हें। इससे ना सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि शॉप पर हर चीज़ यहाँ बिखरते रहते नज़र आते हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसको हल करने की ज़रूरत है। अगर ये हल नहीं होता तो आप इमारतें बना रहे लेकिन वही निज़ाम वही सोचें फिर सौदा हों, ठीक है? तो ये जो कुछ भी हो रहा है शहर में, हालांकि हुकूमत एक्शन भी लेती है क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, चीलें नीचे आ जाती हैं और उस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, यकदम नीचे चपट्टा मारती हैं या कह लें वो नोज़ डाइव करती हैं, गोता खाती हैं ये गोश्त छीनने के लिए हासिल करने के लिए।